जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री महावीराय नमः जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्षुत परम मांगल ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है, 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग 6वां अध्याय तत्वार्षुत में पढ़ रहे थे, जिसमें देख रहे थे तीर्थंकर प्रगति का आश्रय कैसे होता है। उसमें 16 प्रकार के कारण पढ़ रहे थे और हम आज जो पढ़ेंगे वो शक्ति तथा त्याग और शक्ति तथा तप, इसके बारे में आज पढ़ेंगे कि शक्ति के अनुसार त्याग होना चाहिए और शक्ति के अनुसार तप होना चाहिए। इसके पहले सूत्र को बोर्ड के माध्यम से देखते हैं, फिर आगे इसको पढ़ते हैं। 6वें अध्याय का 24वां नंबर सूत्र है। इसका संधि विच्छेद करके यहाँ सूत्र पढ़ रहे हैं। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेषु अनतिचारः, अवीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेगौ, शक्तितः त्याग, तपसी, साधु समाधि, वैयावृत्तकरणम, अरहत आचार, बहुश्रुत प्रवचन, भक्ति, आवश्यक अपरिहाणी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वसलत्वम इति तीर्थकरत्वस्य, ये सभी तीर्थंकर बनने में कारण हैं। आज अपन पढ़ेंगे शक्तितः त्याग और शक्तितः तपसी। ये जो है आदि दीपक है, इन दोनों शब्दों में लगाना है। शक्तितः त्याग, शक्तितः तपसी, तपसी मतलब तपस्या करने वाला, यहाँ पर त्याग। तो त्याग और तप दोनों कैसे होना चाहिए, शक्ति के अनुसार होना चाहिए, इसके बारे में आज थोड़ा बहुत समझते हैं। शक्तितः त्याग, इसका अर्थ क्या हुआ। यहाँ त्याग का अर्थ है दान के अर्थ में लेना, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है कि हम पर की प्रीति के लिए, दूसरे की प्रीति के लिए और अपने कल्याण की भावना से कुछ त्याग करना, ये धार्मिक बात है, ध्यान रखना। जो धर्मात्मा जन हैं, मुनि, आर्यका, श्रावक और श्राविका, ये चतुर्विध संघ हैं, इनके लिए शक्तितः त्याग करना, अपनी शक्ति से ज़्यादा भी नहीं करना और शक्ति से कम भी नहीं करना। जैसे आहार दान है तो हमें मुनि महाराज हमारे उत्तम पात्र होते हैं, फिर जो एलक छुलक हैं, माताजी आदि हैं, ये मध्यम पात्र होते हैं, और अविरत सम्यक दृष्टि आदि जो हैं वो जघन्य पात्र होते हैं। इन सभी को क्या करना, अपनी शक्ति के अनुसार आहार दान देना, औषध दान देना, अभय दान देना, ज्ञान दान देना, ये 4 प्रकार के दान हैं। ये 4 प्रकार के दान शास्त्रों में बिल्कुल मिलते हैं। चारे दान, चारे प्रकार, चार संग को दीजिए, 4 दान होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं और 4 संग को दिए जाते हैं। उत्तम पात्रों को यदि हम दान देते हैं तो उत्तम भोग भूमि की प्राप्ति होती है। मध्यम पात्रों को दान देते हैं तो मध्यम भोग भूमि की प्राप्ति होती है। जघन्य पात्र को देते हैं तो जघन्य भोग भूमि की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है जो सुख हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य, उत्तम सुख उत्तम पात्र को देने से, मध्यम सुख मध्यम पात्र को देने से और जघन्य सुख जघन्य पात्रों को देने से, प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य है कि उसे 4 प्रकार के जो संघ हैं उनको जरूर ही दान देना चाहिए। पर एक बात यहाँ रखिए, शक्ति के अनुसार।
शक्ति से ज़्यादा भी नहीं, शक्ति से कम नहीं। राजा है, सेठ हैं तो शक्ति से कम भी नहीं, जो निर्धन हैं तो शक्ति से ज़्यादा भी नहीं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। सामर्थ्य से ज़्यादा देंगे तो कर्ज हो जाएगा, क्लेश संक्लेश परिणाम होंगे और मन में खेद खिन्नता भी होगी। पर की प्रीति और स्वयं की प्रीति के भाव से दान दिया जाता है। आपके मन में भी प्रीति उत्पन्न होना चाहिए गुणवानों को देख करके, और जो गुणीजन हैं उनके अंदर भी प्रीति उत्पन्न हो आहार दान आदि लेने से। इस मंगल भावना से दान आदि दिया जाता है। दान और त्याग में बहुत अंतर होता है। त्याग जो है वो सर्वस्व का होता है, दान जो है वो बचा करके होता है। दान में 100 पर कल्याणक की भावना होती है कि हमारा भी कल्याण हो और जिसको दिया जा रहा है उस जीव का भी कल्याण हो, उसकी साधना निरंतर चलती रहे सम्यक रूप से। त्याग में जो है अपने कल्याण की भावना होती है। तो देखा जाए कि दान जो है त्याग की प्रथम सीढ़ी है। दान के माध्यम से ही त्याग धर्म में प्रवेश किया जाता है। दान के बिना त्याग धर्म में प्रवेश नहीं किया जा सकता। इसलिए सर्वप्रथम श्रावक के लिए समझाया जाता है कि आप क्या करो, आपको त्याग करने के पहले दान करने की कला सीखो। क्योंकि जब तक देना छोड़ना नहीं सीखेंगे, क्योंकि छोड़ेंगे तो हमारा मोह कम होगा, उतनी वस्तु के प्रति हमारा राग कम होगा, और राग और मोह जब छूटेगा तो धीरे धीरे हमारी कषायों का भी त्याग हो जाएगा, और त्याग होते ही हम त्याग धर्म में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार से राजवार्तिक कार में तो यही कहा है कि पर की प्रीति के लिए अपनी वस्तु को देना, अपनी वस्तु को देना है, पराई की वस्तु को नहीं देना। अपनी वस्तु का मतलब क्या है, हमारे पुरुषार्थ से भाग्य से जो प्राप्त हुई वस्तु है उसी वस्तु को ही देना है, दूसरे की वस्तु को नहीं देना है। हम लोग क्या करते हैं, चौकी में गए और दूसरे की वस्तु उठाई और उनको दान दे करके आ गए, ये दान दान नहीं कहलाता है। स्वामी होना चाहिए, स्वयं ही स्वामी बन के देना चाहिए। आपकी अपनी वस्तु हो, आपने निज कमाया हो और जो कमाया है उसी से ही आपको देना है। वस्तुतः दान तो क्या है, जो पाप है, पाप का जो आपका लगा हुआ जो आरंभ सारम जो पाप हुआ है उसको नाश करने के लिए हम जो है दान आदि करते हैं, और उसका जो पाप का भी पाप जो ब्याज रूप में चढ़ता गया था उसको करने के लिए हम त्याग धर्म अपनाते हैं, सर्वस्व त्याग कर देते हैं तो समस्त पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। तो हमें अपनी वस्तु ही दान करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, दूसरों की वस्तु को देकर के दानी बन जाते हैं। महाराज जी को शास्त्र भेंट करना है तो मंदिर का शास्त्र उठाया और महाराज जी को दान में दे दिया, तो ये क्या हुआ, ये कोई शास्त्र दान नहीं हुआ, ये कोई ज्ञान दान नहीं हुआ। आपने हाथ लगा लिया, सब हाथ लगा रहे तो आपने भी हाथ लगा लिया, और मंदिर की पुस्तक का अक्षर में बांधा और उसी को दे दिया, बाद में महाराज से वापस ले लिया, बोलो महाराज जी मंदिर का है लाओ वापस करो। तो इस प्रकार का ये थोड़ी दान होता है, और सोच समझ के दान दिया जाता है, उनके उपयोग आए। आपने शास्त्र सैकड़ों भर दिए तो वो कहाँ ले जाएंगे, उठा के भी नहीं ले जा सकते हैं। जब उनके लिए उपयोग हो उनसे पूछें कि गुरुदेव आपको कोई आवश्यकता तो नहीं है, आपको कोई शास्त्र की पेन की कॉपी की कोई सेवा का अवसर दें। इस प्रकार से पूछकर ही आप लोगों को ऐसा कार्य करना चाहिए। और अभय दान में क्या होता है, गुरुओं की रक्षा करना, वैयावृत्ति करना भी एक अभय दान है। क्यों, क्योंकि उससे भी प्राणों की रक्षा होती है। गुरुओं के लिए आपने रहने के लिए बसतिका दिया, कमरा दिया, ये भी क्या है, अभय दान है। आपने मंदिर में कमरे बनवाए, गुरुओं को वहाँ रुकाए, ये भी अभय दान है। एन केन प्रकार ने गुरुओं के प्राणों की रक्षा करना, ये भी क्या है, अभय दान होता है। औसत दान, असाता कर्म के उदय से यदि उन्हें किसी प्रकार की बीमारी होती है, लाइलाज बीमारी हो जाती है, तो आप उसके लिए किसी भी प्रकार से औषधि आदि का बनवाना और स्वयं ही निज हाथ से उनको देना, तो इस प्रकार से वो भी जो है औसत दान में आता है। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। अभी शक्तितः त्याग भावना में दान का बहुत ही सुंदर प्रकरण चल रहा है, तो क्या
यदि किसी के पास दान देने का सामर्थ्य नहीं है तो क्या वह शक्तितः त्याग भावना भाकर तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य का आश्रय कर सकता है? जिसके व्यक्ति के पास सामर्थ्यता नहीं है, सामर्थ्य का मतलब है कि उसको स्वयं खा सकता है और दूसरों को खिलाने की उसकी बिल्कुल भी सामर्थ्यता नहीं है, वो व्यक्ति कृत नहीं कर सकता है तो कारित कर सकता है, और कारित नहीं कर सकता है तो अनुमोदना कर सकता है। अनुमोदना का फल दर्शन विशुद्धि पूर्वक, उसकी दर्शन विशुद्धि है, सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन के साथ साथ धर्मात्माओं के प्रति उसको बहुत ही आस्था है, श्रद्धा है, सच्चे देव शास्त्र गुरुओं के प्रति भी बहुत लगन है। और उसके बाद यदि उसके किसी पाप कर्म के उदय से उसकी निर्धनता हो, उसको प्रगाहन ना कर सके, ऐसी उसके पास सामर्थ्यता ना हो, फिर भी वह अनुमोदना करके कि जहाँ जहाँ भी हमारे गुरुओं का आहार दान हो या उनको औषध आदि की आवश्यकता हो या उनकी रक्षा अवैधान हो, तो इस प्रकार से वह ऐसे कार्यों की अनुमोदना कर सकता है और अनुमोदना से भी वह तीर्थंकर प्रगति का आश्रय कर लेता है। अब देखिए अभयदान है, तो अभयदान में क्या कर सकता है वो? मुनियों की रक्षा, अरे वैयावृत्ति तो करा सकता है, मुनियों के विहार करा सकता है, उनके साथ चल सकता है आदि, ये कार्य जो कर सकता है, उनकी साधना में साधक बन सकता है, कोई वस्तु को दे ना सके तो साधक तो बन सकता है। वैसे दान का मतलब ये है वस्तु को देना, दान का मतलब है वस्तु को देना। अब वस्तु ना दे सके तो दिलवा सकता है, दिलवा ना सके तो अनुमोदना कर सकता है। श्री कृष्ण ने क्या किया था? श्री कृष्ण ने औषध दान दिलवाया, बनाया और स्वयं नहीं दिया, दिलवा दिया, चौकों में पहुंचा दिया और मुनिराज को वो औषध पहुंच गई। ऐसी मंगल भावना से उनको तीर्थंकर प्रगति का क्या हुआ? आश्रय हुआ। कितना आसान है, हमारी आत्मविशुद्धि सम्यक दर्शन की विशुद्धि के साथ साथ इति जो प्रीति उत्पन्न होती है धर्मात्मा के प्रति, जो प्रीति उत्पन्न होती है, वह प्रीति भी हमारे लिए क्या करती है? तीर्थंकर प्रगति का आश्रय करती है। जब वात्सल्य भाव से, कुछ लेना देना नहीं हुआ, वात्सल्य भाव निस्वार्थ प्रेम मात्र से तीर्थंकर प्रगति का आश्रय होता है, तो दान का कृत करना, कारित करना अथवा अनुमोदना हो जाना, पर इतना ध्यान रखना यदि सामर्थ्य हैं तो कृत करना ही करना है, और जब न कर सकें तो अपने बच्चों से, अपने आश्रयवान लोगों से कृत कारित करवाना है, और कारित के बाद जब वो भी कार्य न कर सकें तो तब अनुमोदना का परिणाम आदि रखना है। इस प्रकार से यह शक्तितः त्याग की भावना हुई। तो ये छठवीं भावना अपन ने पूर्ण करी। अब सातवीं भावना जो है शक्तितः तप, शक्ति के अनुसार तप करना। तप करने का मतलब क्या है? अपने कर्मों को खिपाना, कर्मों को क्षय करने के लिए हम तप करते हैं। तप का हमारा उद्देश्य एक ही मात्र है, कर्मों की निर्जरा। कर्मों की निर्जरा होती है तप के माध्यम से। तो तप का अर्थ होता है इच्छाओं का निरोध करना, इच्छा निरोधः तपा। जहाँ इच्छाओं का निरोध होता है उसको आचार्यों ने तप कहा है। हमारी इच्छा शक्ति तो बढ़ी हुई है और फिर हम कठोर से कठोर साधनाएं करें तो उसे तप नहीं कहा है। जैसे मान लो मैं एक घंटा खड़े होकर सामायिक करूं, पर मेरी इच्छा यह है कि लोग आके देखें कि देखो कैसे खड़े होकर साधना कर रहे हैं, तो क्या हो गई? वो इच्छा हो गई, तो वो तप नहीं कहलाएगा। आप ऐसा खड़ा हो, खड़ा होना, चाहे छत में खड़े हो जाओ, चाहे पहाड़ों में खड़े हो जाओ, चाहे समुद्रों के किनारे खड़े हो जाओ, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में, आचार्यों ने कहा ये तप नहीं है। अपने अंदर उठ रहे जो राग द्वेष की जो लहरें हैं उसे शांत करना, उन तरंगों को शांत करना, बिल्कुल शांत सरोवर में आप बिल्कुल मग्न हो जाओ, लीन हो जाओ, उसका नाम है तप। सचमुच में हमारी इच्छाएं जो हैं हम उनको रोकें। हम कठोर से कठोर कुछ करना तो चाहते हैं पर इच्छाओं में ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण हमारा
तपस्या जो है वो व्यर्थ हो जाती है। व्यर्थ मतलब मोक्ष मार्ग में कारण नहीं बनती है। राजवार्तिककार, सर्वार सिद्धि, हरिवंश पुराण आदि अनेकों ग्रंथों में शक्ति तथा तप की यही परिभाषा चलती है कि अपनी शक्ति को नहीं छिपाकर मार्ग अविरोधी काय क्लेश आदि तप करना तप कहलाता है। मार्ग अविरोधी, बहुत सुंदर शब्द दिया है, मार्ग अविरोधी काय क्लेश आदि। मार्ग अविरोधी मतलब क्या है, जो मोक्ष मार्ग है उसमें अविरोध, कोई प्रकार का विरोध प्रकट ना हो। मैं मोक्ष मार्ग में चलूं और मेरी साधना से मेरे में ही विरोध प्रकट हो जाए, शरीर का क्षरण होने चालू हो जाए, शरीर नष्ट होना प्रारंभ हो जाए, और जिससे मेरी सामायिक बंद हो जाए, ध्यान बंद हो जाए, आत्म ध्यान में जाना बंद हो जाए, तो ये सब क्या हो गया, ये विरोध हो जाएगा। तो एक प्रश्न बहुत, मार्ग अविरोधी, इसमें बहुत हमें ध्यान देना है। दो तीन बातें हैं। पहली बात, अपनी शक्ति को नहीं छिपा करके। अपनी शक्ति को छिपाना नहीं है, हमारे पास शक्ति बहुत है, अनंत शक्ति के भंडारी है हम, पर हम लोग क्या करते हैं, अपनी शक्ति को छिपा देते हैं। उपवास की बात आएगी तो उपवास नहीं कर पाएंगे, निर्जल उपवास नहीं कर पाएंगे, उसमें भी हमें पानी चाहिए या एक टाइम पानी चाहिए या भोजन आदि चाहिए है, फिर भी उसमें और भी क्या महाराज जी, कुछ नहीं तो चाय की छूट तो मिल ही जाना चाहिए, क्योंकि सिर में दर्द होने लगता है तो उपवास में चाय भी चाहिए। तो इस प्रकार से देखा जाए कि हम अपनी शक्ति बहुत होते हुए भी उसको छुपाते हैं। अभी कोई लड़ाई का प्रसंग आ जाए, गुस्सा आदि आ जाए, आपस में मन मुटाव हो जाए, तो व्यक्ति एक दिन, दो दिन, तीन दिन तक भोजन नहीं करता है। शक्ति है ना, तभी तो नहीं किया ना। नरकों में गए, एक अन्न का कण नहीं मिला, एक जल की बूंद नहीं मिली, कितने सागर पर्यंत, सागर पर्यंत ये खाया पिया नहीं, तब भी वहाँ पर रह कर के आ गए। और यहाँ पर मनुष्य पर्याय में सब साधन उपलब्ध हैं तो उसे छोड़ नहीं पाए। तप का मतलब यही है, सब कुछ होते हुए भी, अनुकूल वातावरण होते हुए भी उनमें इच्छाएं नहीं रखना, इसका नाम तप है। सभी साधन मौजूद हैं पर भावनाएं नहीं हैं। 56 प्रकार का भोजन बना है पर खाने का भाव नहीं, त्याग का भाव है। तो वो जो भाव है उसे से हमारा तप प्रारंभ होता है। अपनी शक्ति को नहीं छिपाना। देखिए, आचार्यों ने कहा है कि नाव में इतना ज़्यादा वजन नहीं लादना रखना कि नाव डूब जाए, और इतना कम भी नहीं रखना कि एक तूफान आए तो नाव फिर डूब जाए। दोनों में ही खतरा है, बैलेंस बना करके चलना है। इस शरीर से हमें अपना रास्ता पूरा करना है, एक किनारे से उस किनारे में हमें पहुंचना है। ये नाव की तरह शरीर है, उसको अच्छे तरह से इसका उपयोग करो। शक्ति को छिपाओगे तो क्या होगा, देखिए, शरीर के साथ अति करने पर ये शरीर खराब हो जाएगा, शरीर के साथ बिल्कुल आलस्य करने पर तब भी खराब हो जाएगा। बहुत आलस्य करो, शरीर को खा लाओ, पिलाओ, मौज कराओ, कुछ मत करो आप, और प्रमादी बन जाओ, तो ये शरीर में बीमारियां पैदा होना प्रारंभ हो जाएंगी। और शरीर के साथ हमने अति श्रम कर लिया तो अति श्रम करने पर भी क्या हो जाएगा, ये शरीर खराब हो जाएगा। मतलब अल्प से अल्प श्रम और अति से अति श्रम दोनों ही जो हैं शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, और जिसके माध्यम से हम साधना नहीं कर पाएंगे। ये शब्द बहुत अच्छा दिया, शक्ति तहा। आचार्यों ने बिल्कुल एक कंडीशन लगा दी है कि तप कह दिया तो ऐसा नहीं कि तुम तप करने बिल्कुल बैठ जाओ, आज 5 उपास 10 उपास 100 उपास 100। आप किसी की शक्ति है, किसी की नहीं है, तो आचार्य ने कहा देखा देखी भी नहीं करना है। अपनी शक्ति को नाप लेना कि क्लेश परिणाम ना हो जाए, संकलेश परिणाम ना हो जाए, दुखी परिणाम ना हो जाए, खेत खिन्नता ना आए। हमने छोड़ तो दिया और बार बार वही याद आ रहा है, आज आहार तो नहीं किया, भोजन तो नहीं किया, लेकिन कल क्या बनाना है, कल क्या खाना है, मन में प्लानिंग चल रही होगी, उपवास टूटेगा तो ऐसे टूटेगा, मैं तो ये भी खाऊंगा, पकौड़ी भी खाऊंगा, मिर्ची भी खाऊंगा, ये भी लूंगा, वो भी लूंगा, तो इस प्रकार से विचारों में ये चल रहा है। तो ऊपर से तो भोजन छूट गया, लेकिन अंदर में इच्छाएं, आसक्ति अभी पनप रही हैं,
वो भी याद नहीं आना, वो भी स्मरण में नहीं आना। उपवास के दिन अपने में उपवास, उसका अर्थ क्या होता है? उपवास, अपनी आत्मा में वास करने का नाम उपवास है। जब अपनी आत्मा में वास करेंगे, अपने को ज्ञाता दृष्टा रूप में देखेंगे, अपने को सहज प्रवृत्ति करेंगे, अनुप्रेक्षा करेंगे, बार बार अपने को ही देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और उस प्रकार से धर्म ध्यान में ही समय बिताएंगे, तो इस प्रकार से हमें अपनी इच्छाएं कंट्रोल होंगी और आसक्ति बाह्य विषय सेवन में नहीं जाएगी। तो यहाँ पर जो बात कही गई है, अपनी शक्ति को नहीं छिपाकर मार्ग अविरोधी, मार्ग में किसी प्रकार का विरोध ना आए, इस प्रकार से मार्ग अविरोधी काय क्लेश आदि करना, काय क्लेश मतलब शरीर को सुकुमाल नहीं बनाने का, शरीर में के साधना हो उसके लिए, जैसे आसन, खड़े रहना, बैठ जाना, बैठे ना, खड़गासन, पद्मासन और स्थिरता से बैठना, गर्मी सर्दी सब सहन करना, ये सब क्या है? काय क्लेश नाम का तप है। तो इस प्रकार से यहाँ पर शक्तितः जो तप है उसका यहाँ पर अर्थ है ऐसा समझना। नमोस्तु चर्षी, जैसे कि जैनों के अलावा भी और लोग भी अपने शक्ति के अनुसार तप आदि करते हैं, तो क्या उनको भी तीर्थंकर प्रगति का आश्रय हो सकता है क्या? दर्शन विशुद्धि भावना के बिना यथाशक्ति जो तप है उससे तीर्थंकर प्रगति का आश्रय नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक भेद ज्ञान की कला नहीं होगी, भेद विज्ञान की कला नहीं सीखेंगे, तब तक यथाशक्ति तप से जो कर्म की निजरा है वो नहीं हो सकती है। जिनके दर्शन विशुद्धि नहीं है ऐसे अन्य लोग भी शक्ति के अनुसार तप करते हुए दिखाई देते हैं। जगत में ऐसे कितने लोग हैं जो अवक्ष का सेवन नहीं करते होंगे, रात्रि भोजन नहीं करते होंगे, उपवास भी करते हैं, निर्जल उपवास भी करते हैं, 10 उपवास कर लेते हैं। हमारे ही मित्र पक्ष के लोग कितना कितना उपवास करते हैं, 10 उपवास, 30 उपवास, 365 दिन का उपवास आदि, बहुत बड़े बड़े उपवास करते हैं, लेकिन दर्शन विशुद्धि में उनके परमात्मा का, गुरु का जो स्वरूप है वो वीतराग नहीं है, वो श्रद्धा जो है वो सही नहीं है। तो उनकी जो साधना है वो साधना जो है आत्म तत्व तक नहीं है, वो शरीर के इर्द गिर्द है और बाहर के स्वरूप का भी ज्ञान सही ना होने के कारण वो यथाशक्ति जो तप है दर्शन विशुद्धि के अभाव में तीर्थंकर प्रगति का आश्रय नहीं करा सकता है। अन्य लोग कितने बड़े बड़े तप तप रहे हैं, काय क्लेश दे रहे हैं, शरीर के लिए कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं और ध्यान में मग्न भी रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको आश्रय नहीं हो सकता तीर्थंकर प्रगति का। क्यों? क्योंकि उनकी जो साधना है वो शरीर तक ही सीमित है, वो आत्मा तक नहीं पहुँच पा रही, आत्म तत्व तक नहीं पहुंच पा रही है। और आत्म तत्व तक पहुंचेगा जब दर्शन विशुद्धि होगा, भेद ज्ञान होगा कि शरीर का स्वरूप और आत्मा का स्वरूप जान करके एक में स्थिर होगा। तप में ज्ञान, दर्शन और चारित्र बहुत जरूरत है, दर्शन की भी, ज्ञान की भी, चारित्र की, चार आराधना होती है ना, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, फिर तप आराधना। तो ये तीन रत्नत्रय जो हैं और उसके साथ फिर तप करना यथाशक्ति, तो उससे जो है तीर्थंकर प्रगति का आश्रय हो सकता है। रत्नत्रय पूर्वक किया गया यथाशक्ति तप जो है वही जीव को तीर्थंकर प्रगति का आश्रय करा सकता है। अब चौथे गुण स्थान में दर्शन विशुद्धि भी है और सम्यक ज्ञान भी है और सम्यक चारित्र जैसा चारित्र नहीं है, लेकिन फिर भी सम्यक रूप आचरण होने के कारण वहाँ भी उसको जो उसके षट आवश्यक में जो तप बताया है, कहाँ है संयम बताया ना, दान, पूजा, गुरुपति, स्वाध्याय, संयम और तप, उसके लिए भी तप बताया है। तो वो जो उसका जो तप करना है दर्शन विशुद्धि के साथ, चौथा गुण स्थान वाला, चाहे पंचम गुण स्थान वाला या छठम गुण स्थान वाला, ये सभी तीर्थंकर प्रगति के आश्रय कर सकते हैं और करते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन जो दर्शन विशुद्धि का अभाव
वाला जो तप है वो कभी भी नहीं कर सकता। इस प्रकार से यहाँ पर आज का जो स्वाध्याय है संपन्न होगा। दो भावनाओं के बारे में बात चली, छठवीं भावना शक्ति तथा त्याग और सातवीं भावना शक्ति तथा तप। इसके बाद आगे शेष भावना का कल व्याख्यान होगा। आज आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जवाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र जी के 3 अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं। 4थे एवं 5वें अध्याय की पुस्तक छपने के लिए जा चुकी है। आप सभी उसमें अपना सामर्थ्यानुसार सहयोग कर सकते हैं और आप आचार्य श्री की अनेक गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रज्ञधारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।